हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं रुचि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, बहुत सारी रेमेडी आपने इस्तेमाल की होगी अपने बालों को काला करने के लिए, लेकिन अगर अभी तक उससे कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो मैं यहां पे आपको गारंटी देती हूं कि इससे आपको एक दिन में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी इफेक्टिव और इतनी बढ़िया रेमेडी है। बहुत ही कम एंड इतनी ईजी तरीके से बनने वाली रेमेडी आपने शायद ही कभी देखी होगी। और सबसे ज़्यादा ये इतनी अच्छी है कि रिजल्ट आपको एक दिन में ही जाएगा। ये बिल्कुल टेस्टेड एंड ट्राइड है एंड बिल्कुल पूरे 100% रिजल्ट्स के बाद ही आपके साथ मैं ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, ये जो रेमेडी है आप देख सकते हैं, पैक जो आपके सामने बनके रेडी हुआ है उसमें कितना ज़्यादा शाइन है। बिल्कुल ऐसे ही शाइन आपके बालों में देखने को मिलेगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे। एंड जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने इस्तेमाल की है वो सारी की सारी फेल हो जाएंगी सिर्फ इस एक रेमेडी के आगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मिरेकल रेमेडी को बनाना। इसको बनाना कैसे है एंड इसको अप्लाई कैसे करना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। एंड वीडियो एंड टॉपिक पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। सो गाइस, ये पैक बनाने के लिए आपको चाहिए लोहे की एक कढ़ाई, लेकिन अभी इसका प्रोसेस यहाँ स्टार्ट नहीं है। आपको लेना है एक तरह का स्टील का ग्लास आपको लेना है एंड इसमें आपको डालना है वो मेन मिरेकल इंग्रेडिएंट जिसका इस्तेमाल है इस पूरे रेसिपी में, इस पूरे मेथड में। सो आपको यहाँ पे लेना है कॉफ़ी पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी आपको भर भर के लेना है, यानी कि कॉफ़ी की जो इंग्रेडिएंट जो कॉफ़ी है वो मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए इस पूरे पैक में, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे कॉफ़ी का पैक। सो यहाँ पे 3 चम्मच के करीब, यानी आप देख सकते हैं कि मैंने भर भर के 3 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया हुआ है। एंड इसको अभी आपको इस तरह से ग्लास में डालना है, सीधे डायरेक्ट में आपको वेसल में नहीं डालना है। वो पानी आपको इतना लेना है कि ये कॉफ़ी जो है वो आराम से मिक्सचर हो जाए, इसमें मिक्स हो जाए एंड एकदम पानी में घुल जाए। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पानी डाला है आधा ग्लास एंड अभी मैं इसको थोड़ा सा पानी और इसमें डालूंगी, यानी कि इस ग्लास को पूरा 1 ग्लास कर दूंगी और अच्छे से इस मिक्सचर को मैं मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से आपको मिक्स करना है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको इसे वेसल में डालना है। सो देखिए, मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने लोहे की कढ़ाई में इस पानी को ऐड कर दिया है और ग्लास पूरी तरह से खाली हो गया है। मैंने आपको ये भी दिखाया। सो आपको यहाँ पे अब कोई भी एक्स्ट्रा अनदर पानी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस पानी से हम इस मैजिकल सी रेमेडी को बनाना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है एंड इसको हम बॉयल होने देंगे। सो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से बॉयल हो रहा है एंड साथ ही साथ इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना ब्लैक हो गया है। कॉफ़ी जो होती है वो आप सभी जानते हैं आपके बालों में क्या काम करती है, लेकिन कुछ चीजें जो आप नहीं जानते वो मैं आपको बता दूं कि कॉफी जो होती है वो हमारे बालों के कलर को इनहेंस तो करती है, साथ ही साथ कॉफी हमारे बालों में बनने वाले मेलानिन को तेजी से बूस्ट करती है। कॉफी हमारे बालों में जो एक्चुअल जो मॉइस्चर होता है उसको लॉक करती है, कहीं भी जाने नहीं देती। इस वजह से आपके स्कैल्प नमी सी रहती है और मॉइस्चर बना रहता है तो बाल आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मेलानिन पूरा फुल रहता है, बनता है, इस वजह से बाल आपके प्री मेच्योर जो हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम है वो जल्दी से रिकवर होनी स्टार्ट होती है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर कलौंजी पाउडर डालूंगी एंड आंवला पाउडर डालूंगी। सो आप देख सकते हैं जो पानी की क्वान्टिटी है, यानी कि जो हमारा कॉफ़ी पाउडर का पानी है वो थोड़ा सा कम हो गया है। सो यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब मैं कलौंजी पाउडर लूंगी और लेते ही तुरंत उसको ऐड करने के तुरंत बाद आपको मिक्स कर देना है, छोड़ना नहीं है कि वो जम ना जाए। इसलिए तो 1/2 चम्मच मैं और इसमें ऐड कर रही हूँ, यानी कि 1.5 स्पून मैंने यहाँ पे कलौंजी पाउडर का इस्तेमाल किया है। आपको भी ऐसे ही करना है, इसमें मिक्स करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है आंवला पाउडर, जो कि सबसे मेन इंग्रेडिएंट है किसी भी एक हेयर पैक का। सो आंवला पाउडर आप किसी भी जनरल स्टोर से ले सकते हैं या फिर घर में अगर ड्राई रखा है तो उसको मिक्सी में पीस लीजिए या खलबट्टी में कूट लीजिए या फिर सिल पे पीस लीजिए, जैसे भी आपको सही पड़े वैसे आप उसको कीजिए। एंड इसके बाद इसको भी आपको 1 स्पून पहले डालना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि आंवला पाउडर पानी में जाते ही गुठलियाँ बनने लगता है, तो गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए और बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो जाना चाहिए।
सो एक चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक चम्मच और मैं यहाँ पे डालूंगी, यानी कि डेढ़ चम्मच आपको कलौंजी पाउडर लेना है, दो चम्मच आपको आंवला पाउडर लेना है और तीन भर के चम्मच आपको कॉफ़ी पाउडर लेना है। सो बस इतना ही इन्ग्रीडियंट इसमें लगना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लगना है। अगर आप मेहंदी के शौकीन हैं तो आप अप्लाई करने के दौरान मेहंदी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेहंदी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बिना मेहंदी के ही आपके बालों को बहुत ही अच्छा शाइन भी देगा एंड कलर तो इतना बढ़िया देगा कि आप फैन हो जाएंगे इस एक इंग्रेडिएंट के। तो इसको अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है एंड इसको अभी अच्छे से हमें बॉईल करना है। हमें तब तक इसे बॉईल करना है जब तक कि ये बिल्कुल थिक की कंसिस्टेंसी में नहीं हो जाता, यानी कि आपका जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो नहीं हो जाती, तब तक आपको इसे अच्छे से यहाँ पे बॉईल करते रहना है। सो कॉफ़ी जो होती है वो हमारे बालों की एक चमक बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ब्राइटनेस भर देती है और शाइन एंड सिल्कीनेस इतनी ज़्यादा आपके बालों में कर देगी कि आप सोच के भी हैरान हो जाओगे। सो यहाँ पे ये जो हमारा जो पैक है, बैटर है, वो बिल्कुल डन हो गया है। आप देख सकते हैं क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है। सो यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर देना है, मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है एंड इसे हमें छोड़ देना है ढक करके पूरी रात भर के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिए कि हमारा ये जो पैक है ये देखिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने रात में छोड़ा था, बस ये पूरी तरह से रेडी हो गया है बालों में अप्लाई करने के लिए। सो गाइज मैंने यहाँ पे अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लिया है और आप देख सकते हैं कॉम्ब आपको बिल्कुल इस तरीके से करना है कि आपने बाल में हाथ डाला तो बाल बिल्कुल भी उलझने नहीं चाहिए। तो कॉम्ब कर लिया है और इस तरह का आपको ब्रश लेना है, आपके पास कोई भी हेयर ब्रश हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपका ब्रश बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सो इस तरीके से ले करके बालों में आपको करना है। आप इसको स्कैल्प में भी अगर लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्कैल्प में अगर लग जाए तो कोई प्रॉब्लम। सो इस रेमेडी को, इस मिरेकल की रेमेडी को इस्तेमाल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आपके स्कैल्प में लग जाए या कहीं पे भी लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से अपने बालों में अप्लाई कर ले रही हूँ, दोनों साइड में इसको अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी और इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक घंटा इसको छोड़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना है और जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसको छोड़ने के लिए। एक घंटा आपको छोड़ना है, वॉश कर लेना है एंड इसके बाद आपको ऑयलिंग कर लेनी है एंड नेक्स्ट डे शैम्पू करना है। सो यहाँ पे आप देख लीजिए मैं अच्छे से अपने उन जगह एरिया में जहाँ पे मुझे वाइट हेयर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है उस जगह मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ और आपके सामने ही आप अप्लाई कर रही हूँ इस चीज़ को एंड वॉश करके तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वीडियो ऑल्सो वेरी लॉन्ग, सो और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। सो इसलिए मैं यहाँ पे ओनली आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ इस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।